सारा पैसा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज है 25 फरवरी और अभी 11 बज रहे हैं। तो इतने दिन से कोई ब्लॉग नहीं आया क्योंकि मैं तो थोड़ा बिजी अपनी स्टडी में, मेरा एग्जाम था तो मैं उसी में लगा पड़ा था। तो मैंने ब्लॉग भी कोई अपलोड नहीं किया, ना ही शूट किया। तो आज से मैं ब्लॉग डेली आते रहेंगे और बीच में कोई काम पड़ता है तो मैं बता दूंगा फिर आपको। फिलहाल अभी मैं हूँ मेडिकल पे, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके मेडिकल पे आ गया था और स्टडी चल रही है अभी तो। और थोड़ी देर में जाऊँगा मैं घर पे लंच के लिए, अभी तो भूख भी नहीं लगी। तो वही लंच टाइम होता है, वही 1-1.5 बजे के करीब जाता हूँ। तो फिर लंच में मिलेंगे फिर आपसे घर पर। ओके, तो गाइस अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और लंच के लिए आया हूँ घर पे। और लंच भी आ चुका है, दाल चावल मस्त। लंच करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा काम है, सिंक का पाइप लगाना है वो मैं लगाऊंगा और फिर वापस मेडिकल पे। तो फाइनली मैं मेडिकल पे आ चुका हूँ, अभी 3 बज रहे हैं और गर्मियों का मौसम आ गया, कितनी तेज़ धूप हो रही है बाहर, अभी से यह हाल है। सोचो मई जून के टाइम में क्या हाल होगा। चलिए गाइस, मैं आ चुका हूँ घर पे और डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है। फिलहाल इनका देखो, आज मैं बर्गर खाया जा रहा अकेले अकेले। मैं करीब आधे घंटे पहले ले आया था, पर ठंडा भी कर लिया उन्होंने, इन्होंने खाया भी नहीं, अब टाइम मिला। गैस पर ठंडा हो गया, कोई बात नहीं। गाइज अबे लाइट कैसे जल गई? तो गाइज अभी 10:12 हो गए, मेरे बालों में काफ़ी खुश्की हो रही है। तो मैं डालूंगी चंपी का ही मोहन, ये वाला तेल, ये वाला तेल क्या होता है, तेल डालो 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 डालो। अंदर तक डालो ना जड़ों में, बताओ तो बच्चे को लाना पड़ेगा कितना तक तेल डालो। मुझे बाल लंबे करने हैं, उसके लिए तेल डालना जरूरी होता है। देखना कितने बड़े बड़े हुए। एक हफ्ते बाद बाप बड़े देखने लगेंगे साइड हुए भी, अभी ऊपर से बड़े दिख रहे हैं, इतने बड़े हुए, इतने बड़े हुए, इतने बड़े। यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक। हाँ तेल तो डर लिया, नहीं इतना डर लिया है, लेकिन लेट तो भी ना बिस्तर पर लगेगा ये, इसलिए मैं डालता नहीं। तो ये ऊपर का तो अभी तो ये अंदर जाएगा ना, बह बह के कितने घुंघराले भी हो रहे हैं बाल, आएंगे ज्यादा हो जाए पीछे के नहीं, अभी लंबे हो जाए तो सीधे भी हो जाए। तो इस वाले बॉक्स में जब भी टूटे हुए कॉइन्स होते हैं मैं डाल देता हूँ, और इसको काउंट करते हैं कितने हो गए। इतना सारा पैसा, चलो काउंटिंग करो इसकी जल्दी जल्दी, 10-10 के से अलग अलग निकाल लो। सबकी काउंटिंग कर ली है और देखने में कितने सारे लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक्चुअल में बताता हूँ कितने रुपीज़ हैं। ये हैं इतने, लेकिन देखने में लग रहे हैं इतने सारे हों, 1349 रुपये। तो गाइस दिस इज नेक्स्ट डे और अभी शायद टाइम हो रहा है, 10:33 हो रहा है। फिलहाल सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके आराम से मेडिकल पे आ गया और बैठा हूँ, अभी देर से स्टडी चल रही है।
फिलहाल इस ब्लॉग का यहीं करता हूँ एंड आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया वो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।